हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले, हम सिंपल बात करने वाले हैं। कुछ मैंने मिस्टेक्स करी है, ओके, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। और हम बात करेंगे कि कैसे एक, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू पिक अ स्टॉक, कैसे एक स्टॉक को पिक कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस की कोई बात नहीं है, बस हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे से आप किसी भी अच्छे शेयर को पिक कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग, सेबी रजिस्टर्ड है पहली बात, दूसरी नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, और फिर तीसरी ओपन फ्री में आपका ओपन अकाउंट कर रहा है, जो कि दूसरे ब्रोकर आपसे पैसे लेते हैं, और डिलीवरी चार्जेस फ्री है जो कि सबके ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे लिंक है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको ये फ्यूचर में काम आ सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हाउ टू पिक अ स्टॉक्स, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे एक शेयर को पिक करना है। तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स के चार ही पॉइंट्स है, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला पॉइंट, ऑलवेज पिक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिसकी डेट बैलेंस शीट अच्छी हो, ओके, जिसकी डेट फ्री, कोई डेट फ्री कंपनी हो, कोई ज़्यादा कर्ज ना हो, अच्छा बिजनेस करते ही हो, और उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो, जो अच्छे रिटर्न देती आ रही हो, और जो फ्यूचर में लगता है कि फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देगी, ऐसी कंपनियों को हमें पिक करना है। तो जैसे कि एग्जांपल है B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, H4 में देखिए HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, HDFC AMC, ये चारों ही स्टॉक आते हैं, ये चारों के चारों मेरे फेवरेट है, एज वेल एज इन्फोसिस, TCS, बहुत सारे आपको यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि आप खरीद सकते हैं। ओके, ऐसे ही शेयर में हमें रहना है, पहली बात। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात है क्या? तो दूसरी बात सिंपल है, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ओन स्टडी। मतलब आप खुद की स्टडी करिए, ओके, और अपने ऊपर बिलीव करिए। देखिए, आप वीडियो मेरी भी देखते हैं, आप वीडियो दूसरे लोगों की भी देखते हैं, मैं भी किसी ना किसी को फॉलो करता हूँगा, मैं भी कहीं ना कहीं से सीखता हूँगा, मैं भी मार्केट में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सब चीज़ पे नज़र मुझे भी रखनी है, आपको भी रखनी है, कहीं ना कहीं से हमें सीखना है कैसे डेटा पुल करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कहाँ से सारी की सारी चीज़ें लाते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं सारी चीज़ें। तो वो हम देखिए, और करते ही करते आता है, थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है, और जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आता है, मिस्टेक होती है, हम लॉस में भी जाते हैं, बट हम प्रॉफिट भी करते हैं फाइनली। तो देखिए, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ योर स्टडी। तो एग्जाम्पल, इफ यू हैव फुल कॉन्फिडेंट अबाउट अ स्टॉक, देन पिक दैट स्टॉक एंड डोंट वरी अबाउट द प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है ना, और आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक यार आगे जाएगा, ओके, चाहे बेशक से कल की डेट में आपको लॉस हो जाए, बट उस पर आपको घबराना नहीं है, वो एक आपको सीख दे के जाएगा कि आपको लॉस क्यों हुआ, या आपको पता चलेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि एक स्टॉक भागेगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। अब मेरी क्या गलती हुई मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि एक स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, मैंने ये खरीदा नहीं है, ओके, मुझे अब क्या लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर, देखिए आज के दिन में कितने रेट का चल रहा है, लगभग 38,000 रुपये के आसपास चल रहा है, और 9% का इसने आज के डेट में प्रॉफिट दिया है। अगर हम बात करें ना 6 मंथ की, देखिए यहाँ पर ये 28,000 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 27,000 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, तो मेरे मन में आई, मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, मैंने देखा, सब चीज़ देखी, और ये 27,000 रुपये का स्टॉक था, तो मेरे मन में आया यार 27,000 रुपये बहुत महंगा स्टॉक है, रहने देते हैं। एक दो दिन बाद फिर मैं इस स्टॉक को भूल गया, बट अभी अगर मैं इसे देखता हूँ ना, पिछले मैं 2 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता ना, अगर जैसे कि मैंने अपनी स्टडी करी थी, मुझे पता था कि ये भागेगा, क्योंकि दूसरे स्टॉक भी भाग रहे हैं ऑटो के, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी स्टॉक भागेगा क्योंकि ऑटो से रिलेटेड है। तो
मुझे 35% के रिटर्न मिल जाते, मेरे 27,000 का स्टॉक 37,000 का हो जाता और मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाते। और इसकी देखिए सब चीज़ अच्छी है, बैलेंस शीट डेट फ्री है का स्टॉक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि अच्छे स्टॉक है तो अच्छे स्टॉक में आप प्राइस मत देखिए, आप सिंपली इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगती है गट फीलिंग तो आप इन्वेस्ट करिए। ऐसे क्या हुआ मेरे साथ, इसमें हो गया HDFC के साथ। HDFC फंडामेंटली डेट फ्री स्टॉक है, मुझे पता है। और सबसे ये सारे सबका मतलब पेरेंट कंपनी है ये HDFC बैंक, AMC एंड लाइफ की। तो इस स्टॉक में भी क्या हुआ, ये स्टॉक देखिए यहाँ पर आया था 1600। सो 1600 रुपये पे जब ये स्टॉक आया था ना, तो मुझे लग रहा था कि मुझे यार ये इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। तब मैं काफ़ी देखिए इसी पीरियड पे ये यहाँ पर चलता रहा, 1700 से 1600 पे आया। मैं सोच रहा था कि इन्वेस्ट करूँ इन्वेस्ट करूँ इन्वेस्ट करूँ, बट मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया। और क्या हुआ कि ये स्टॉक एक साथ ही छलांग मारी इसने। अब फिर मैंने सोचा यार ये 1900 का हो गया, अब तो ये नहीं नीचे नहीं आएगा। ओके, और फिर ये 1900 के बाद देखिए 1900 पर ही रहा, और फिर इसके बाद भाग ऊपर बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2400 के आसपास है ये शेयर। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपको लगता है कि ये स्टॉक भागेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एंट्री लेनी नहीं है। और अगर आप एंट्री लेते हो तो आप ही अच्छे स्टॉक पाओगे। अगर कुछ गलती होती है तो ऑब्वियसली बात है वो एक अलग बात होती है, बट अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और आपने चूज़ किया है अपनी खुद की स्टडी से, आपको लगता है कि भागेगा, अच्छे इसका परफॉर्मेंस है, तो इसमें पिक कर लीजिए। देखिए अगर मैं उस टाइम ले लेता तो लगभग 50% का प्रॉफिट मुझे इस शेयर पर भी होता। हालांकि मेरे को अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरे को दूसरे स्टॉक्स ने अच्छे अच्छे 50-50% के रिटर्न दिए कुछ स्टॉक्स ने, और मैं वहाँ से एग्जिट भी हो गया हूँ। बट यहाँ पर अगर देखे तो ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न हमें देते हुए जा रहा था। अब ये हो गई दूसरी बात, अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरी पॉइंट है देखिए, डोंट लुक द प्राइस एंड द पी ऑफ द स्टॉक, गुड स्टॉक ऑलवेज इन हायर वैल्यूएशन, हायर प्राइस एंड हायर पी। हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हनीवेल का। तो क्या था इसमें, तो इसमें सिंपल यही था कि ये हनीवेल जो ये शेयर है ये हमेशा आपको हायर प्राइस पे ही मिलेंगे। ओके, ये शेयर आपको रिटर्न भी अच्छा देते हैं, तो ये इनका इन्होंने कभी अपने का आपको तोड़ा नहीं है। जैसे MRF एक स्टॉक हो गया, लगभग 75,000 रुपये का स्टॉक है, और मैं उसे 53,000 से जब मार्केट गिरी तब से स्टॉक को उसके उसे भी मैं देखता आ रहा था कि ये स्टॉक बढ़ेगा। और इसका PE की बात करें तो इसका PE भी काफ़ी हाई है, और बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जिनका PE बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि 20 का PE होता है तो अच्छा होता है, पर 30 से नीचे होता है तो अच्छा होता है। बट अच्छे स्टॉक फंडामेंटली स्टॉक सब आपको हायर PE पे मिलेंगे, कोई 80 के PE पे मिलेगा, कोई 100 के PE पे मिलेगा, कोई 150 के PE पे मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है आपकी स्टडी अच्छी है तो आप उसे खरीद लीजिए, डजेंट मैटर वो किस प्राइस पे है। मैंने कुछ टाइम पहले एक और स्टॉक बताया था हिंदुस्तान फूड्स, 900 रुपये पे वो शेयर बताया था, आज 1200 पे चल रहा है, गिरा था अभी कल की डेट में भी गिरा था। कल की डेट में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी 1000 के आसपास खरीदने का, तो मैंने वहाँ पर उसे खरीदा था और 2 दिन में 20% के बेहतरीन रिटर्न्स मुझे मिल गए थे। तो वही सब बताना चाहता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में आपको हमेशा रहना है। और तीसरी बात कर लेते हैं, लास्ट बात कर लेते हैं, चौथी बात कि डोंट सेल योर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर वेल्थ। ओके, यू हैव टू होल्ड द स्टॉक एंड द बेस्ट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ये वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि अगर आप किसी स्टॉक को पकड़ते हैं ना तो इसे बेचिए मत। बेच के क्या होगा कि आप बेचेंगे ना तो आप एक तरीके से ब्रोकरेज दे रहे हैं, आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। ओके, तो ये किसके हाथ में जाएगा, ये कंपनीज को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। आप बेशक से प्रॉफिट में हैं फिर भी आपको आपको एक तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो स्टॉक कहीं और जाते हुए। अब मेरी इसके अलावा इससे कि मुझे क्या सीख मिलती है, देखिए मैंने HDFC AMC खरीदा था, कब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कब खरीदा था। तो लगभग मैंने यहाँ पर के आसपास मैंने HDFC AMC खरीदा था, जब 2200-2300 के लगभग चल रहा था यहाँ पर खरीदा था। कुछ टाइम बाद ये नीचे आया, मुझे मौका मिल रहा था कि मैं इसे और खरीद लूँ, बट मैंने खरीदा नहीं, कोई बात नहीं। बट मेरे पास थे, मेरे पास ज़्यादा शेयर नहीं थे बट मेरे पास थे शेयर। और इसके बाद ये कल की परसों की दिन में क्या हुआ कि पैनिक हो गया था मार्केट में, और मार्केट अच्छे तरीके से देखिए गिर गई थी। तो ये शेयर देखिए यहाँ पर 2900 रुपये अच्छा खासा चल रहा था, और मैं यहाँ पर चुपचाप भेज के यहाँ पर निकल गया, 2600 के आसपास निकल गया। और यहाँ पर देखिए अभी क्या, लगभग मैंने 10% का अपना यहाँ पर लॉस लॉस करा लिया उसमें।
तो और मुझे पता था कि ये कंपनी अच्छी है, मैंने इसलिए नहीं निकाला कि मुझे ये बेच के प्रॉफिट लेना था, मुझे मतलब था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये नीचे आएगा ना तो मुझे नीचे मिलने का, क्योंकि मैं सोच रहा था 2 दिन और मार्केट शायद गिर सकती है, और गिरेगी तो मुझे नीचे एक्युमुलेट करने का मौका मिलेगा और मैं तब चुपचाप खरीद के दोबारा बैठ जाऊँगा अपने, और जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी वो बच जाएगा। तो मुझे प्रॉफिट तो देखिए हुआ थोड़ा बहुत, बट मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने दोबारा, मुझे मौका मिला था तो मुझे खरीद लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। और अभी देखिए 1 दिन के अंदर अंदर लगभग 2% की, और 2 दिन के अंदर अंदर बात करें तो 9-10% की ये बढ़ चुका है। और अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं इसे जरूर एक्युमुलेट करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा शेयर है। ये हो गया इसके अलावा निपॉन, बट मैंने निपॉन, मुझे अच्छा वैल्यू पे मिल रहा था तो मैंने निपॉन आज की डेट में खरीद लिया। तो यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अच्छे शेयर है तो आप उसे खरीद सकते हैं। ऐसे इन्फोसिस के केस में भी हुआ, इन्फोसिस अभी बीच में 1,080 के आसपास आया था। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये पीरियड चल रहा था ना, तो यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर सोच रहा था इन्फोसिस ले लूँ ले लूँ ले लूँ ले लूँ, बट मैं नहीं ले पाया। और यहाँ पर देखिए 18% के प्रॉफिट ये विद इन अ मंथ मुझे मिल जाते, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट, बट ठीक है नहीं मिल पाया। ऐसे TCS में भी हुआ था, TCS जब 2400-2500 तक चला गया था, और उसके बाद जब यहाँ पर गिरा था ना तो मेरे मन में आए थे, जब ये केस हो गया था, जब साइरस मिस्त्री वाला ये बीच में खबर आई थी, तो मैंने सोचा था यहाँ पर खरीद लूँ, बट मुझे मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद ये शेयर फिर भाग गया। तो यही मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा है कि अगर आपकी गट फीलिंग अच्छी है, आपको लग रहा है कि अगर शेयर आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, ओके, और अच्छे शेयर फंडामेंटली, देखिए सारे शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, टाटा, इन्फोसिस, HDFC AMC, HDFC लाइफ, हनीवेल, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, सारे लार्ज कैप मिड कैप के स्टॉक है, और मैं इन्हें एक्यूमुलेट नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माई फियर कह सकते हो, या फिर मैं सोच रहा था और नीचे आएगा, बट नीचे आने का मौका नहीं मिला और वो सीधे शेयर भाग गए। तो इसलिए बताना चाहता हूँ अच्छे शेयर आपको हमेशा अच्छे किसी वैल्यू पे मिले आप खरीद लीजिए। देखिए आज की डेट में भी खरीदते कोई घाटा नहीं है, बट अगर अच्छे आपको नीचे मिल लेना ये सारे शेयर तो बाय ऑन डिप्स करिएगा, शांति से इसे ने रखिएगा। और आपको मल्टीपल, जैसे कि आपको बताया कि होल्डिंग पीरियड क्या है, होल्डिंग पीरियड फॉर एवर है, किसने कहा है, वॉरेन बफेट ने। एक बार शेयर खरीद लिए तो हमेशा के लिए रख लिए, इस तरीके की मेंटेलिटी हम रखेंगे ना तो हमें बेहतरीन रिटर्न्स फ्यूचर में मिलेंगे, हमारे वेल्थ क्रिएट होंगी, हम और हम भी जैसे ये अरबों खरबों के मालिक हैं ना, तो हम भी लाखों करोड़पति तो एटलीस्ट बन ही सकते हैं अगर हम लॉन्ग टाइम में रखेंगे। 40-50 साल हमने ऐसे शेयर, अच्छे बेहतरीन शेयर रख लिए ना, तो हम भी कहीं ना कहीं डिजर्व करेंगे वो करोड़पति, मतलब हमारे पास भी गाड़ी बंगला जो भी हम डिजर्व करते हैं वो सब आएगा। बस इसके लिए पेशेंस का खेल है, पैसों की नहीं। हमें 1 लाख रुपए भी 1,200 करोड़ हो सकते हैं, वो एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को देख लेना तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख रुपए भी आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। लंबी वीडियो हो गई है पर पूरी बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक सीख है जो कि हम सब गलतियाँ करते हैं, ये मेरे से ही नहीं आप लोगों से भी होती है, जिसे फोमो कहते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं ये गलती ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको फ्यूचर में ये बात याद रखें, और मैं भी इसे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ और इस बात को याद रखूँगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, एज वेल एज इस जो ये लिंक है नीचे क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।